वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव करेली पहुंचे और कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर द्वेष भावना से काम करने का आरोप लगाया। ग्वालियर में बकाया बिजली बिल वालों के नाम के चौराहे पर होर्डिंग लगाने पर इसे तानाशाही भरा कदम बताया। क्या बिल माफ करने की बात सरकार करती है और गरीबों को बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। देखिए, एक द्वेष भावना से सरकार काम कर रही है और चुन चुन कर जो कांग्रेस के हमारे साथी है, कार्यकर्ता है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रदेश में भू माफियों का एक बड़ा संगठन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता प्रदेश में करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ये कार्रवाई करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है।